वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हॉल वीडियो थोड़ा सा स्पेशल हॉल वीडियो है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस हॉल के अंदर मैंने कितना बड़ा सारा बैग लिया है। और स्पेशल इसलिए कि मिंत्रा का हॉल तो है ही, लेकिन आज हम ट्राई कर रहे हैं मिंत्रा से H&M का न्यू कलेक्शन। इस हॉल के अंदर आपको सारी की सारी कैटेगरीज मिलने वाली है, जैसे की बॉटम वेयर, ड्रेसेस, टॉप्स, ज्वेलरी, बैग्स, सब कुछ। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हॉल होने वाला है क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹300 है। सो चलो आओ देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। शुरू करते हैं प्रोडक्ट नंबर वन से। फर्स्ट जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो मैंने ली है ये टी शर्ट। एंड गेस द प्राइस, आई गॉट दिस वन फॉर ₹399। इतनी ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे मुझे ये लगा, स्पेशली H&M का। तो क्वालिटी के अंदर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिला है। एंड सच में इसके अंदर मैंने जो अपना साइज लिया है दैट इज लार्ज, बट स्टिल गाइज ये टी शर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है, तो आपको फिटिंग इश्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। डिफरेंट कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आई थिंक हर एक बॉडी टाइप पे, हर एक स्किन टाइप पे ये टी शर्ट सूट हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक आएगा। प्लस काफी अलग अलग वेज में आप इन्हें स्टाइल भी कर सकते हो, ट्राउजर्स के साथ, जीन्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ, एनी टाइम एनी वेयर। सो लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाकर चेकआउट करना। एंड मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट प्रोडक्ट नंबर टू। प्रोडक्ट नंबर टू जो हमने लिया है वो मैंने लिया है ये वाइड लेग के अंदर ट्राउजर। ये मैंने लिया था स्पेशली कलर के लिए, बिकॉज बॉटम वेयर के अंदर मेरे पास बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे लेकिन व्हाइट कलर मिसिंग था। सो दिस टाइम आई पिक दिस लीलन का व्हाइट कलर का ट्राउजर। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, नो डाउट। हल्का सा ट्रांसपेरेंट है लेकिन आप नीचे किसी भी स्किन कलर का या ब्लैक कलर के शॉर्ट्स, साइक्लिंग शॉर्ट्स कैरी कर सकते हो और उसके बाद कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा। दीज पैंट्स आर फुल्ली हाई वेस्टेड पैंट्स, तो काफी ज्यादा स्मार्ट लुक आता है। अगर आपके पेयर शेप है या फिर थोड़े से थाइस हाई हैं तो भी आपके ऊपर बहुत अच्छे से सूट हो जाएगा और आपके थाइस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड भी नहीं होते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा वाइड लेग के अंदर है और इसका लुक काफी स्मार्ट आता है। इसके अंदर आपको सारे साइजेस अवेलेबल मिल जाएंगे एंड वन और टू डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगेन हाईली रिकमेंडिंग दिस वन, आई रेट 10 out of 10 बिकॉज क्वालिटी इज टॉप नॉच एंड बहुत ही ज्यादा क्लासिक सा प्रोडक्ट है। सो लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन। एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट नंबर थ्री। प्रोडक्ट नंबर थ्री जो हमने लिया है वो मैंने ली है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सी टी शर्ट। ये भी मैंने ली है स्पेशली नेकलाइन के पीछे, बिकॉज इस तरीके की नेकलाइंस मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है और मैं ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ। गाइस इसका भी जो मटेरियल है इट्स फुल्ली स्ट्रेचेबल, तो आपको फिटिंग और साइज के कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। इसके अंदर मुझे डिफरेंट कलर ऑप्शंस तो नहीं दिखे, हार्डली ये सिंगल कलर ही मिला था और बहुत ही लिमिटेड सी क्वांटिटी अवेलेबल थी उस टाइम जब मैंने ली थी। अभी आई डोंट नो इसके अंदर और आपको अवेलेबल ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट स्टिल आई ट्राई टू फाइंड कुछ। अगर सिमिलर मिला तो भी मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन कर दूंगी। सो जल्दी से जाके चेकआउट करना, बिकॉज इसका जो फैब्रिक है कॉटन फैब्रिक, फुल्ली स्ट्रेचेबल और बहुत ही स्मार्ट लुक आता है। प्लस बार्बी डॉल वाला सा स्टाइल आपको लग जाएगा एंड बहुत कंफर्टेबल भी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो मैंने ली है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर कॉटन ड्रेस। H&M की ड्रेसेस बहुत फेमस है और उनका कलेक्शन जो है काफी अच्छा कलेक्शन आया था और उसी के अंदर से मैंने ये एक ड्रेस उठाया है। अगर आपको डेडिकेटेड ड्रेसेस हॉल वीडियो देखना है तो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए बहुत सुंदर डेडिकेटेड ड्रेसेस हॉल वीडियो भी लेके आऊंगी। बट हाल फिलहाल इसकी बात करें तो ये ड्रेस फुल्ली स्ट्रेचेबल है, तो आपको साइज और फिटिंग इश्यूज नहीं आएंगे। इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये भी फुल्ली एडजस्टेबल है, अपने आप फिटिंग के हिसाब से उन्हें एडजस्ट कर सकते हो। द फैब्रिक इज 100% प्योर कॉटन एंड इसका जो प्रिंट है गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। काफी मिनिमल है पर समर्स के हिसाब से काफी क्लासिक लुक दे रहा था। एंड नो डाउट दिस ड्रेस इज सो सो कम्फर्टेबल, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। इसी से मिलते जुलते मैं ना आपके साथ नीचे एक और दो लिंक्स और भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपके पास कुछ और ऑप्शन हो जाए और वो प्रोडक्ट्स मेरे विशलिस्ट के अंदर एडेड भी हैं, तो आप उनमें से भी पिक कर सकते हो। बट इसके लिए आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो बिकॉज हाल फिलहाल इसके अंदर सारे के सारे साइजेस अवेलेबल हैं और ये ड्रेस काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आपको हार्डली 1400 या 1300 के आसपास ये ड्रेस मिल जाएगा। क्वालिटी इज टॉप नॉच। सो अगेन गाइस लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना बिकॉज हो सकता है बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज के हॉल वीडियो के अंदर हमने सारी की सारी कैटेगरीज को पिक किया है, तो उसी के अंदर से मैंने पिक किया है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर बैग। गाइस इसका साइज इतना बड़ा आएगा दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। पिक्चर में देख के मुझे लगा था कि काफी स्मॉल सा बैग होगा, बट यस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसे ट्राई करने के लिए बिकॉज इसका लुक, इसका कलर मुझे काफी यूनिक लगा था एंड इसका जो शाइनिंग वाला टेक्सचर है ये मुझे काफी अट्रैक्ट भी कर रहा था। एंड नो डाउट इसका जो साइज आया, मेरे पास इस साइज का कोई भी बैग अवेलेबल नहीं था एंड आई एम सो सो हैप्पी। इसके अंदर आप बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। जो इसका शेड है दैट्स डार्क चेरी शेड, बरगंडी शेड मिक्सचर वाला सा कलर है, बट इसका जो लुक है काफी एक्सपेंसिव लुक आ रहा है और काफी लग्जरी सा लुक भी दे रहा है।
सो आई लव दिस बैग एंड हाईली रिकमेंडिंग दिस वन। इससे से मिलते जुलते आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आई थिंक इसके अंदर सिल्वर कलर भी अवेलेबल था और इसके अंदर व्हाइट कलर भी है। मैं उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ ताकि आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज कर सकते हो। बट अगर मेरी इच्छा के अनुसार जाना चाहते हो तो आप इसके साथ डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज ये बैग सच में यूनिक है, स्टाइलिश है और अफोर्डेबल भी है। सो लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाकर चेकआउट करना। हार्डली बहुत कम क्वांटिटी अवेलेबल थी तो मैं चाहती हूँ मेरी ही ऑडियंस इसे ग्रैब करे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और बैग जो कि इससे भी ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट जो बैग हमने लिया है वो मैंने पैक किया था ये वाला बैग। एंड इस तरीके के बैग्स ना मेरे पास नहीं थे और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं और आजकल फैशन में भी बहुत ज्यादा है। इसके अंदर सामान तो आप काफी कम कैरी कर सकते हो बट लुक देखो गाइस कितना ज्यादा फैंसी मॉडर्न लुक आ रहा है इसका। एंड ये बैग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे अगर आप लोगे तो, बट H&M की यही खास बात है कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं एकदम रीजनेबल रेट में होते हैं और ये वाला बैग भी हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिला है, अराउंड 1700 और 1800 के आसपास मिल जाएगा। बाजारा जैसे ब्रांड से अगर आप ट्राई करेंगे तो यही सेम बैग आपको 3 to 4000 के बीच में मिलेगा। स्वाइप पैक दिस वन और मैं इसे रिटर्न डेफिनेटली नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये बैग काफी ज्यादा वर्सेटाइल है और बहुत सारे मेरे आउटफिट्स के साथ मैच हो जाएगा। एथनिक वेयर के साथ भी इसे स्टाइल किया जा सकता है, प्लस वेस्टर्न वेयर के साथ तो बहुत ज्यादा क्लासी लगेगा ही लगेगा। और कलर एकदम न्यूट्रल कलर है जो कि सारे के सारे आउटफिट्स के साथ मैच हो जाता है। सो अगेन गाइज आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट और आप भी इसके साथ डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। काफी सारी क्वांटिटी अभी तो अवेलेबल थी, बाद में खत्म हो जाएगी तो कोई गारंटी नहीं है। एंड गेस व्हाट, इसके ऊपर अभी सेल भी लगी हुई है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो मैंने लिया है ये व्हाइट कलर का टी शर्ट स्टाइल के अंदर टॉप। इसे आप टी शर्ट के जैसे भी कैरी कर सकते हो, टी शर्ट के साथ साथ ये टॉप वाला भी आपको प्रॉपर लुक देता है। इसका जो नेकलाइन है वो बोट नेकलाइन है, प्लस इसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी स्लीव्स भी एडेड है। गाइस लुक एट द फैब्रिक, इट्स फुल्ली स्ट्रेचेबल, जितना चाहो उतना स्ट्रेच किया जा सकता है तो आपको फिटिंग और साइज के कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। हालांकि इसके अंदर साइज ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल हैं। मैंने जो अपना साइज लिया है दैट इज लार्ज बिकॉज मुझे ऐसे लगा था कि फुल्ली फिटेड वाला सा लुक ना आ जाए बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती, मुझे थोड़ा सा लूज फिट वाला ही पैटर्न ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने इसके अंदर अपना एक साइज लार्ज पिक किया और मुझे फिटिंग एकदम परफेक्ट आई है, मतलब प्रॉपर टाइट फिटेड लुक भी नहीं आया। तो आप भी अपना जो साइज है उसी हिसाब से पिक कर सकते हो, थोड़ा सा वाइजली ही जाना पड़ेगा बिकॉज अगर इस तरीके के टॉप्स होते हैं जिसके अंदर आपको फुल्ली फिटेड वाला लुक नजर आता है तो आप हमेशा एक साइज आपके साथ जा सकते हो अगर आप फुल्ली टॉप फिटेड टाइट फिटेड लुक के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो, अदरवाइज आप अपने रेगुलर साइज के साथ भी जा सकते हो। इस टॉप के अंदर डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश भी की थी बट मुझे नहीं मिला, और भी मैं कोशिश कर लूंगी इन केस मुझे कुछ भी मिला तो मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस टॉप के लिए मेरी तरफ से एक बड़ी सी हाँ है बिकॉज व्हाइट कलर के अंदर है, काफी बेसिक है तो आप इसे बहुत सारे अलग अलग वेज में स्टाइल कर सकते हो, प्लस अलग अलग दिनों में भी काम आ जाएगा, कॉलेज में, ऑफिस में, पार्टीज में, जैसे चाहो वैसे इसे स्टाइल किया जा सकता है। सो गाइस हाईली रिकमेंडिंग दिस वन, लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन। यस ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, ये है, इसके अंदर थोड़ा सा विजिबल रहेगा और बाकी आपके ऊपर है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरे लास्ट Amazon हॉल वीडियो के अंदर आपने मुझे एक टी शर्ट के अंदर देखा था और वो टी शर्ट और कहीं से नहीं, हमने H&M से ही परचेज की थी। ये रेड कलर की क्रॉप टी शर्ट है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट के अंदर मुझे मिल गई। जब मैंने उस मॉडल के पहना हुआ देखा मुझे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक लगा था, लेकिन इसका फैब्रिक इतना ज्यादा लाइट वेट आएगा ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना सॉफ्ट एंड लाइट सा फैब्रिक है इसका, लाइक लिटरली मुझे फील नहीं होता कि मैंने कुछ पहन रखा है। एंड नो डाउट ये प्रोडक्ट इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर से मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैब्रिक, बिकॉज इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट, स्मूथ एंड कंफर्टेबल है, हल्की सी क्रॉप टी शर्ट वाला लुक देगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाई वेस्टेड ट्राउजर्स कैरी कर सकते हो, हाई वेस्टेड जीन्स भी कैरी कर सकते हो, बट यस काफी ज्यादा क्रॉप लुक आएगा तो आप अपने हिसाब से चॉइस पिक कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट स्लीव्स भी मिल जाएगी, डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। साइज जो मैंने लिया है दैट इज मीडियम एंड फिटिंग इज एब्सोल्युटली फिट। सभी कलर ऑप्शंस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से जा सकते हो। बट आप लोगों को पता है कि मुझे रेड कलर कितना पसंद है इसलिए मैंने तो रेड लिया एंड आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द लास्ट टॉप फ्रॉम दिस हॉल। अभी हॉल खत्म नहीं हुआ है लेकिन टॉप्स और शर्ट्स वाली कैटेगरी इस टॉप के बाद में खत्म हो जाएगी। सॉरी टॉप नहीं, इस बार हमने एक बेसिक सी सैटिन स्टाइल के अंदर शर्ट भी पिक की है। ओके, मेरे पास प्रॉपर बेसिक ब्लैक कलर की शर्ट मिसिंग थी, मेरी वार्डरोब में नहीं थी और आप लोगों को पता है इस तरीके की सिंपल सॉलिड शर्ट्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे फैशन के लिए, बिकॉज इनसे हम बहुत ही अलग अलग वेज में स्टाइल
क्रिएट कर सकते हैं और अपने अलग अलग दिनों के अंदर इन्हें कैरी भी किया जा सकता है। ओके, इसका जो फैब्रिक है इट्स अ प्रॉपर 100% सैटिन फैब्रिक, तो आई डोंट नो फुल्ली समर्स के अंदर ये शर्ट कंफर्टेबल रहेगी या नहीं, बट इसका जो लुक आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी एंड शाइनी वाला सा टेक्सचर है और देखने में काफी रिच सा लुक देता है, इसलिए आई पिक दिस वन। इसे आप नवंबर, दिसंबर या सितंबर, अक्टूबर के टाइम पहन सकते हो, बट हाल फिलहाल आई फील आपके लिए थोड़ा सा गर्मी वाला रह जाएगा एंड इसके अंदर आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। इस शर्ट के अंदर आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन डेफिनेटली मिल जाएंगे, सॉलिड व्हाइट कलर भी अवेलेबल है और उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको बहुत सारे साइजेस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। बॉटम वेयर्स मैं ऑनलाइन बहुत कम लेती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरी फिटिंग आएगी या नहीं आएगी, बट दिस टाइम मुझे H&M का बॉटम वेयर्स का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगा था तो मैंने इस बार सोचा ट्राई कर लेती हूँ। अगर नहीं फिट आया तो मिंत्रा की रिटर्न पॉलिसीज तो काफी ज्यादा सेफ एंड ईजी है, विदिन वन डे मेरा प्रोडक्ट रिटर्न भी हो जाएगा। सो आई गॉट दिस वन एंड गाइस लुक एट द शेड, लुक एट द डिजाइन, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी एंड बहुत ही कंफर्टेबल भी है। जीन्स का फैब्रिक, मतलब जीन्स इतनी ज्यादा मैं आजकल पहनती नहीं हूँ, मैंने स्किप कर दिया, मैं ट्राउजर्स के साथ कैरी करने लग गई हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मुझे अब मेरी जो प्रायोरिटीज है और बढ़ गई है कि जीन्स का फैब्रिक है काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, काफी सॉफ्ट होना चाहिए, काफी लाइट होना चाहिए ताकि मैं बहुत ही कंफर्टेबल और ब्रीथेबल फील कर सकूं। एंड लुक एट दिस, आई गॉट द परफेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मिंत्रा। H&M की ये जीन्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल के अंदर है, फुल्ली स्ट्रेचेबल है और बहुत ही लाइट सा फैब्रिक है, लिटरली मुझे ऐसे ट्राउजर वाली ही फीलिंग आ रही थी। मेरे पास इस तरीके का डार्क चारकोल स्टाइल के अंदर कोई भी कलर नहीं था, स्पेशली बॉटम वेयर्स के अंदर, सो आई पिक दिस वन बिकॉज काफी फैशन के अंदर है, काफी ट्रेंड के अंदर है और ये वाइड लेग जीन्स है जो कि फैशन के अंदर एकदम इन है। सो आप इसके साथ भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दिया है। इसी के साथ हमने एक और जीन्स भी ली थी जो कि मैंने ली है डेनिम ब्लू कलर के अंदर, एंड इस जीन्स का जो फैब्रिक है वो लास्ट वाली जीन्स को भी फेल करता है, मतलब लिटरली प्रॉपर ट्राउजर्स का जो फैब्रिक होता है ना उतना ज्यादा लाइट फैब्रिक है इसका एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर सी जीन्स मुझे ये लगी है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये बेसिक सॉलिड वाइड लेग पैंट्स है, ट्राउजर स्टाइल के अंदर है, इसके ऊपर अगर आप क्रॉप टॉप पहन के कोई भी स्टाइल क्रिएट करेंगे ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक आएगा। और अगर आप ऑफिस और कॉलेज गोइंग गर्ल्स है स्पेशली आपके पास तो ये जीन्स होनी ही होनी चाहिए बिकॉज इससे आप टी शर्ट भी साथ कैरी कर सकते हो, टॉप्स के साथ कैरी कर सकते हो, शर्ट्स के साथ भी अलग अलग लुक्स क्रिएट कर सकते हो और पूरे दिन कंफर्टेबल रहने वाली है, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। इस जीन्स के अंदर भी आपको बहुत सारे साइजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप इसके साथ भी चेकआउट कर सकते हो। फिटिंग भी अगर आपको कुछ भी इश्यू आती है प्लीज गाइस बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है बिकॉज मिंत्रा की जो पॉलिसीज है काफी सेफ रिटर्न पॉलिसीज है, विद इन वन डे आपका रिटर्न जो है वो पिकअप हो जाता है और उसके 5 मिनट बाद ही आपको रिफंड भी मिल जाता है, और क्या चाहिए। तो घर बैठे ट्राई करो, अच्छा लग रहा है तो रखो, अदरवाइज आप रिटर्न भी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया और इतने सारे बेनिफिट्स भी बता दिए तो देरी मत करना ये ट्राई करने में। एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दस हॉल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 300 की रेंज के अंदर भी हमने कुछ कैटेगरीज पिक की है जो कि मेरे लिए है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर से इयररिंग्स। इस तरीके की इयररिंग्स मैं आपको ऑलरेडी पहले काफी बार दिखा चुकी हूँ बट ये बहुत ही ज्यादा फाइन और परफेक्ट प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आया है, प्लस 299 रुपीज का मुझे ये पेयर मिल गया है। इसके अंदर भी डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दो ही मिलेंगे, सिल्वर और गोल्ड, रोज गोल्ड कलर ऑप्शन नहीं है, तो मैं लिंक आपके लिए इन दोनों का ऐड कर रही हूँ। डिफरेंट शेप्स के अंदर और डिफरेंट डिजाइन के अंदर आपको एक और दो पीस भी मिल जाएंगे इसी रेंज के अंदर, तो उनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। क्वालिटी वाइज मेरे पास इतनी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर एक भी ज्वेलरी नहीं थी एंड मुझे इससे सच में प्यार हो गया है, सो आप इसके साथ भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस वन इज अगेन माय फेवरेट प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडिंग दिस वन, लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन। तो ये था हमारा आज का मिंत्रा का H&M हॉल वीडियो, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर कलेक्शन है H&M का अभी हाल फिलहाल। विद इन 2 डेज आपके घर में आपके प्रोडक्ट्स भी डिलीवर हो जाएंगे, सेफ रिटर्न पॉलिसीज हैं, जल्दी से जाके ट्राई करना, चेक करना। और आपको आज का हॉल वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस डू हिट द लाइक बटन और पास में दिया हुआ सब्सक्राइब बटन तो डेफिनेटली प्रेस कर लेना बिकॉज आने वाले हॉल वीडियोस और भी ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हॉल वीडियोस होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टिल देन बाय गाइस।